एल्डिहाइड ही बनते हैं, उसमें दो आएंगे स्टीफन रिडक्शन और रोजन वुंड रिडक्शन। बेटा रिडक्शन वर्ड से मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। कर लिया बेटा रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट, ठीक है। हाँ बेटा ध्यान दो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको जो दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने पड़े हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, उनमें प्रॉब्लम है बेटा? नंबर मैंने लिख रखे हैं ऊपर। कोई ऐसी रिएक्शन जो नहीं समझ में आई हो, ये नाइन वो मेथड है जिनसे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेंगे। अब अपन दो ऐसे पढ़ेंगे रिडक्शन, तुम खुद ही समझ जाया करो कि अपन एल्डिहाइड केवल और केवल एल्डिहाइड बने। अब रिडक्शन का मीनिंग होता है जुड़ना किसका, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन जुड़ेगी तो एल्डिहाइड ही बनेंगे, कीटोन थोड़ी बनेंगे, कीटोन के पास हाइड्रोजन होती नहीं है। तो ये दोनों रिडक्शन जो अपन पढ़ेंगे स्टीफन और रोजन में केवल और केवल एल्डिहाइड बनेंगे, ठीक है। और एक ऐसा मेथड होगा जिसमें केवल कीटोन बनेंगे। कुछ पूछना है इनमें नौ मेथड में? फटाफट बोलते हैं, आज तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है आज तुम्हें, रफ कॉपी वगैरह पास में होनी चाहिए। बोलो कुछ पूछना है क्या इसमें? नो मैम। समीर आ गया बेटा सभी को समझ में? तो आप देखो ओनली टू मेथड जो आपको एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए चाहिए कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है स्टीफन, कल भी बता दिया था मैंने ये कि स्टीफन रिडक्शन में स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में होने वाले रिडक्शन को अपन बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका करवाना है वो सुने, एल्किल साइनाइड, कोई सा भी साइनाइड ले लो, एल्किल साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड, कोई सा भी एल्किल साइनाइड, भूल भी जाए ना तो ये चीज ध्यान रखें। स्टीफन लिखेंगे ना लास्ट में लिखा जाएगा PHN स्टीफन, एन का मीनिंग CN लेना है साइनाइड, ठीक है। साइनाइड लेना है, स्टीफन स्टेनस क्लोराइड लेना है SnCl2 लेकर के। जैसे रिडक्शन का मीनिंग हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी तो बेटा पाई बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, दे दिए, एक नाइट्रोजन को दे दो, ये दे दी। अब इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस, वो तो तुमने बहुत जगह पढ़ा है। दोनों बॉन्ड डिसोसिएट किए, ऑक्सीजन तो मिल गई कार्बन को और नाइट्रोजन को मिल गई हाइड्रोजन, H2O वाली। काटरमान में भी देखा था ऐसा, डक में भी देखा था ऐसा। तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होते ही बन गया RC, और ये डबल बॉन्ड पे तो आ गई ये ऑक्सीजन, और ये H हो गया प्लस में NH को मिल गया H2, तो बाहर चला गया NH3। बहुत इजी रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। सेकंड अपन देखते हैं रोजन वुंड रिडक्शन, वो क्या होता है देखें। रोजन वुंड स्टीफन तो हो गया SnCl2 का एल्किल साइनाइड रिडक्शन। सेकंड देखें बेटा रोजन मुंड, अब इसको समझे भाई रोजन मुंड क्या कह रहा है, मुंड रिडक्शन। बेटा समझो पहले रोजन मुंड होता क्या है, एसिल क्लोराइड, इसको कहते हैं RCOCl को। इस एसिल क्लोराइड का रिडक्शन, रिडक्शन का मीनिंग वो का वही है, ये रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, PdPtBaSO4 की प्रेजेंस में। कह देंगे मैडम भूल जाएंगे, अरे भूलने तो मैं दूंगी नहीं ना तुम्हें, भूलोगे कैसे। रिडक्शन करवाएंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मैंने दो हाइड्रोजन ले, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस ग्रुप को दे दो, एक दे दो Cl को, तो RC डबल बॉन्ड हो, एक इसको मिलता ही H प्लस के अंदर चला गया HCl, इससे भी कीटोन नहीं बना सकते, रिडक्शन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन ही मिलेगी कीटोन का, ठीक है। अब याद कैसे रखें, रिडक्शन है रोजन मुंड, रोजन जैसे रोजन बोल रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है जैसे किसी का नाम है, किसी लड़के का, रोजन नाम का लड़का, ठीक है। ये रोजन नाम का लड़का मुंड, रोजन मुंड मीनिंग मुंडन करवाने गया। अब मुंडन करवाने कैसे गया, PD का मीनिंग पैदल गया, PT का मीनिंग पैसे लेके गया, और किसके साथ गया, BSO4 मीनिंग बाप के साथ गया। याद रख लेंगे, हंसी नहीं आनी चाहिए इस बात के ऊपर। रोजन मुंड में होगा क्या, एग्जाम में लिखने बैठेंगे याद आ जाएगा, रोजन मुंड मीनिंग रोजन मुंडन करवाने गया था, पैदल PD, पैसे लेके PT,
बाप के साथ भी है, सो वो लगा देंगे एरो के ऊपर, हो जाएगा तुम्हारा काम। रिडक्शन का मीनिंग हाइड्रोजन लगानी है, ये बस हो गया, बल्ले बल्ले पता चल जाएगा क्या लगाना है। और आप ये बॉन्ड तोड़ते ही दोनों को एक एक एच दे दो, बन जाएगा एल्डिहाइड और HCl बाहर। पर अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ये तो लर्निंग मेथड था, सीखेंगे क्या। ये BSO4 ध्यान से सुन ले, इस रिएक्शन में BSO4 का वर्क लिखिए। मेटल्स को आपको पता है मेटल यूज में ली जाती है रिडक्शन के लिए, फिर ये BSO4 क्यों यूज में लिया है मैंने बेटा, BSO4 पैलेडियम और प्लेटिनम मेटल के लिए पॉइजन का वर्क करता है। मीनिंग जैसे ही यहाँ रिडक्शन करवा देगी दो हाइड्रोजन देके, तो इनको आगे हाइड्रोजन नहीं देने देगा ये। अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो ये स्पाई बॉन्ड को तोड़ के और हाइड्रोजन लगा देगी। अब और हाइड्रोजन लगा गए तो तुम लेने तो बैठे थे एल्डिहाइड, और तुम्हें आगे और रिडक्शन हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ एक एच बन क्या जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो मीनिंग एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनानी अपने को, ब्लॉक करना है प्रोसेस को। तो रिडक्शन को ब्लॉक करने के लिए BSO4 डालेंगे, BSO4 पैलेडियम और प्लेटिनम मेटल के लिए पॉइजन का वर्क करेगा, रुक जाएगा इसका रिडक्शन, आगे नहीं होगा। समझ में आ गई BSO4 का काम क्या होता है। पूछता है कई बार रोजनमोल रिडक्शन में फंक्शन लिखिए, BSO4 क्यों यूज में लिया जाता है, तो BSO4 पॉइजन का वर्क करेगा पैलेडियम और प्लेटिनम मेटल के, जिससे एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में नहीं होगा। ओके एक चीज और सुनो, कल ही पढ़ाई थी ऐसी रिएक्शन, ग्रिन्यार्ड से करवा रहे थे ना इसको, और ग्रिन्यार्ड से करवा के R जोड़ करके तुमने कीटोन बनाई थी। जब भी मैंने तुम्हें कहा था बेटा यहाँ H नहीं ले सकते अपन, बताया था क्यों नहीं ले सकते, H नहीं ले सकते, नहीं यहाँ H नहीं आएगा। तो ध्यान से सुन लो, रोजनमोल रिडक्शन से एल्डिहाइड तो बनते हैं, पर कभी रोजनमोल रिडक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनाया जा सकता फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए यहाँ H करना पड़ेगा, और अगर मैंने HCOCl ले लिया तो मुझे पता है एट रूम टेम्परेचर दिस कंपाउंड आर अनस्टेबल कंपाउंड। ये तो बेटा रूम टेम्परेचर पे ही अनस्टेबल है, आगे की तो मैं बात ही क्या करूंगी, समझ गए। ये तो रूम टेम्परेचर पे मुझे नहीं मिलेगा, तो रूम टेम्परेचर पे HCOCl अनस्टेबल होता है, इस वजह से फॉर्मेल्डिहाइड का सिंथेसिस रोजनमोल रिडक्शन से कभी नहीं होगा, समझ गए। ये दोनों रिडक्शन वो हैं जिससे केवल और केवल क्या बनेंगे, इनसे केवल और केवल एल्डिहाइड बनेंगे। चलो ओनली एल्डिहाइड भी हो गया, ओनली एल्डिहाइड अपन ने बना लिया, स्टीफन रिडक्शन बस, सेकंड रोजनमोल रिडक्शन, ये मेरा काम। अब ओनली कीटोन बनाने का भी एक मेथड है, वो क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर। देखो नाम सुनते ही डर गए, एसिटो एसिटिक, एसिटिक एस्टर को तो सब जानते हैं, एसिटिक एस्टर और एस्टर को भी सब जानते हैं। देखो ध्यान दो, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ पड़ा है, एसिटिक एसिड, OH लगाती है एसिटिक एसिड बन जाएगा, पर एसिटिक एसिड नहीं बनाना, एसिटिक एस्टर बनाना है, ओ एस्टर बनाना है। मीनिंग एस्टर किसको कहते हैं, R C डबल बॉन्ड O O R, इसको कहते हैं ना। तो R की जगह तो मैंने CH2 ग्रुप लगा लिया, ठीक है, एसिटिक ग्रुप हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH होता है एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड नहीं, एसिटिक एस्टर बनाना है। मीनिंग ये R C डबल बॉन्ड O R लगाना है, इसकी जगह लगा दिया CH2, R is equal to कुछ भी ले लो मैथी लेते। फिर आ गया तुम्हारा C double bond O, फिर आ गया O, और acetyl group लेना है, acetyl acetic ester, तो ethyl group लो, ethyl group, acetyl acetic ester, R is equal to कुछ भी मान सकते हैं, कोई यहाँ effect नहीं पड़ता, मैथी लेते propyl कुछ भी। ये है बेटा acetyl acetic ester, इसका अपने को करवाना है hydrolysis। अब इस hydrolysis में मैंने 2 mol H2O ले रखी, इस हाइड्रोलाइसिस को ध्यान से समझे, रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। देखो क्या बनाना है आपको, ओनली कीटोन, कीटोन बनानी है। तो देखो इस वाले पार्ट पे तुम्हें कीटोन दिख रही है बनी हुई, CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर इस बॉन्ड को तोड़ू मैं, ब्रेक करूं यहाँ से, और इसको केवल और केवल क्या देना है तुम्हें, H,
तो जब हाइड्रोलाइसिस में टू मोल लिए एक एच यहाँ आएगा तो ओ एच मिल जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ को, और ओ एच क्यों मिला ये भी चीज ध्यान रखो, कार्बन तो पॉजिटिव है पोलैरिटी की वजह से ओ एच ही मिलेगा इसको। फर्स्ट बॉन्ड तो ये क्लीवेज किया, सेकंड देखे ये वाला तोड़ोगे तोड़ते ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो वो एच मिलेगा इसको, दोबारा ओ एच मिल जाएगा बीच वाले सी डबल बॉन्ड ओ को। ग्रुप बने हुए दिख रहे हैं तुम्हारे पास, इधर बोलो क्या बन गया, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री प्लस, बीच में देखो क्या बना, एक और एक दो हाइड्रोजन एच टू सी एक दो तीन तीन ऑक्सीजन, क्या कहते हैं इसको कार्बोनिक एसिड, एच टू सी ओ थ्री। रोस्टिंग प्रोसेस में पढ़ा है चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ भाई कोरोजन प्रोसेस, आप देखो ये बाकी बचा हुआ तुम्हारे पास सी टू एच फाइव ओ एच, सर ने पढ़ाई होगी ना कोरोजन प्रोसेस रोस्टिंग, ठीक है, इसमें आया था कार्बोनिक एसिड चैप्टर थर्ड में। हाँ भाई समझ गए, ऐसे तो ऐसे थे कैसे तो हाइड्रोलाइसिस करवाओ, नहीं याद रहे कीटोन के फॉर्मूले याद रखो, एसिटिक एसिड से बनाएंगे, एसिटिक बना के एस्टर लगाना है, मीनिंग सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है एसिटिक एसिड, तो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच की जगह एस्टर ग्रुप लो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है ये एस्टर होता है एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस, इसको चाहिए एक एच, मुझे पता है ये बॉन्ड ब्रेक कर दूंगी तो एसीटोन बन जाएगा, हाइड्रोजन की कमी है हाइड्रोजन लगा दो बीच में लग जाएगा ओ, मीनिंग एक बार लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन लगेगी तो दूसरी बार राइट साइड में हाइड्रोजन लगेगी एच टू वन, बीच में रहेंगे हमेशा ओ एच, समझ में आ गई, लेफ्ट साइड में एच राइट साइड में ओ एच सॉरी एच लेफ्ट में एच राइट में एच बीच में ओ एच, तो कार्बोनिक एसिड बाहर एथेनॉल बाहर और एसीटोन का फॉर्मेशन, ये केवल वो मेथड है जिससे केवल और केवल क्या बनते हैं बेटा कीटोन बनते हैं। अब ध्यान दो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में वही चीजें अपन पढ़ेंगे, देखो इसमें स्मेल वगैरह भी दी हुई है, ठीक है स्मेल प्लीजेंट स्मेल, कीटोन जो होते हैं ना उसकी स्मेल प्लीजेंट स्मेल होती है, परफ्यूम वगैरह में यूज में लिया जाता है कीटोन, ठीक है। और ध्यान देंगे कीटोन और एल्डिहाइड के लिए एमपी एंड बीपी की बात करते हैं, कहेंगे मैडम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी बेटा यहाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अपने को पता है कार्बोनिल जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होती है पोलैरिटी, ये रही पोलैरिटी, फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड आया सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड लिया इस तरीके से, ये कार्बोनिल कंपाउंड एक दूसरे से, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड हो जाए किसी बॉन्ड से उस कंडीशन में जैसे मिल जाएंगे पास में इकट्ठे होंगे एमपीपी भी बढ़ेंगे क्योंकि उनको मेल्ट करने के लिए उनको बॉइल करने के लिए उनके टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मिलने से क्या होता है एक तो एक चीज को गर्म करो मेल्ट करो उसको या उसको बॉइल करो, जब टेम्परेचर देखो बहुत सारी मिल जाए अपने आप ही एमपीपी ज्यादा होंगे, तो ये होगा क्या इसमें एक नेगेटिव स्पीसीज है दूसरी पॉजिटिव, ये देखो ये अट्रैक्शन हो जाएगा इधर भी अट्रैक्शन, कैसा अट्रैक्शन है ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन दिख रहा है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के एमपीपी हाई होंगे किसके कंपैरिजन में एल्केन के कंपैरिजन में, जैसे मान लो मेरे पास ब्यूटेन है ब्यूटेनल है और ब्यूटेनॉल है, तो बेटा ध्यान से मेरी बात सुन ले एल्केन के कंपैरिजन में हाई होंगे क्योंकि एल्केन में तो ना कोई पोलैरिटी होती है, एल्केन तो कार्बन हाइड्रोजन होता है ना कोई पोलैरिटी है, इसमें पोलैरिटी है तो इसलिए आपस में कंबाइन होंगे, लेकिन ये तो वीक अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एल्कोहल के एमपीपी ज्यादा होंगे किससे एल्डिहाइड और कीटोन से, रीजन क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है एल्कोहल में, तो ब्यूटेनॉल के सबसे ज्यादा फिर ब्यूटेनॉल के कम और सबसे कम होंगे ब्यूटेन, ओके। और एक चीज सुने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का कंपैरिजन करूं तो एमपीपीपी किसके ज्यादा होंगे, आपको बताया हुआ है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है एमपीपीपी ज्यादा होते हैं, एल्डिहाइड में तो हमेशा एक हाइड्रोजन ही होती है केवल, एक तो छोटी सी हाइड्रोजन को हीट करना है
और एक बड़े एल्किल ग्रुप को ईथ करना है आर को, और कीटोन में क्या होते हैं? आर ग्रुप होते हैं, इसीलिए कीटोन के एमपीवीपी जितना ज्यादा वेट जितना ज्यादा भारी होगा, जैसे एक तो ये बोर्ड है हैवी और एक ये डस्टर है, एमपीवीपी खुद को ही पता है, इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कि बोर्ड, ठीक है? तो ध्यान से सुन ले, बल्कि ग्रुप की वजह से कीटोन जो है उसकी एमपीवीपी एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अब मैं बात करती हूँ सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होगा, पोलर है कार्बोनिल कंपाउंड में, पोलैरिटी प्रेजेंट है, और वाटर में भी क्या होती है, पोलैरिटी होती है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल पढ़ा है केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व लाइक, दोनों में पोलैरिटी इज कॉमन, ये वाटर सॉल्युबल होंगे, समझ गए? H2O ले लिया, ये H2O, और ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखो ये पोलैरिटी है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, और इस पे डेल पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव है, ये पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, फिर आगे कोई कार्बोनिल कंपाउंड आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये देखो ये इस तरीके से अट्रैक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा अपनी पोलैरिटी से, तो पोलैरिटी है इसमें कार्बोनिल में और H2O में भी पोलैरिटी है, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है? वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होंगे, पर एल्डिहाइड और कीटोन में हाईली सॉल्युबल कौन है, ये आपको अच्छे से पता है, एल्डिहाइड है, रीजन क्योंकि वही बात है, हैवी होने की वजह से ये कीटोन आ गया, ये अगर ये मैं यहाँ कोई हैवी वेट लगा दूं, झुकेगा नीचे, झुकते ही वो बॉन्डिंग वहां से कट टूट गई, टूटते ही कहां से सॉल्युबल होगा जब अट्रैक्शन ही नहीं है, तो जब मॉलिकुलर वेट बढ़ता है ना सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, C4 या C5 के जो एल्डिहाइड है ना वो एक तरीके से बिल्कुल अनसॉल्युबल होंगे वाटर में, डिजोल्व ही नहीं है, 3 या 4 कार्बन तक तो डिजोल्व हो जाएंगे, C5 का जैसे मान लो पेंटेनल हो या पेंटेनोन हो वो नहीं सॉल्युबल हो, जैसे जैसे कार्बन का नंबर एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है हाईली सॉल्युबल है एसिटाल्डिहाइड के कंपेरिजन में, एसिटाल्डिहाइड ज्यादा सॉल्युबल है प्रोपेनल्डिहाइड के कंपेरिजन में, समझ गए? तो सॉल्युबिलिटी के लिए कार्बन का नंबर कम होना चाहिए, एमपीवीपी इंक्रीज होने के लिए कार्बन ज्यादा होने चाहिए, ओके? ये हो गई अपने बात किसकी, अब एल्कोहल से कंपैरिजन करो तो वो बात भी ध्यान रखना, एल्कोहल हाईली सॉल्युबल होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन, समझ गए? अब अपन पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन का पार्ट, समझ गए? किसी को कोई डाउट है बेटा एमपीवीपी में या सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड? राहुल कोई डाउट है बेटा एमपीवीपी या सॉल्युबिलिटी से? अल्कोहल से एमपीवीपी एल्डिहाइड कीटोन के कम होंगे, कीटोन के ज्यादा होंगे एल्डिहाइड से, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कीटोन का ज्यादा होता है, उसमें आर ग्रुप होते हैं, ओके? समझ गया राहुल, और बुक से पढ़ ले बेटा सभी, लेख समीर सब पढ़ के, फिर और कोई डाउट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको कॉपी में बुक से ही करनी है, समझ गए? क्योंकि वही चीज है जो मैं लिखूंगी वो वही चीज है दोनों। अब केमिकल रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम का 100% फिक्स क्वेश्चन है। अब क्या है वो समझ, ये बात समझ गए केमिकल रिएक्शन, इसकी केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की होती है, उसमें फर्स्ट ध्यान देंगे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक को ऐसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक चार्ज कैसा होता है न्यूक्लियोफिलिक पे, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज होता है नेगेटिव, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, उससे फिलिंग रखने वाला, उससे लविंग नेचर वाले पे चार्ज होगा नेगेटिव, समझ गए? एडिशन रिएक्शन कहते हैं क्यों, सबसे पहले तो बात समझो, कहेगा एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों होती है, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं होती, उसका भी रीजन सुन ले, कार्बोनिल कंपाउंड ये रहा सारे फसाद की जड़, पूरी केमिकल रिएक्शन की जड़, इसमें बेटा ये सिस्टम होता है कि पोलैरिटी होती है इसमें, ये रही पोलैरिटी, दिख गया कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दिखते ही क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज वाला, और इनमें कंफ्यूज मत, कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, अरे न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मीनिंग होता है लविंग नेचर, न्यूक्लियस से लविंग नेचर रखने वाला, तो न्यूक्लियस से उसी को प्रेम होगा जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है तो उससे फिलिंग रखने वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब बोलो
क्या हुआ, ध्यान से सुनो, कार्बन पे पोलैरिटी की वजह से आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल आया और आकर के रिएक्शन मेरी क्या हुई, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, ऑक्सीजन पे रह गया नेगेटिव, फिर आया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस दिख रहा है तो उसके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ई पॉजिटिव लिख सकते हैं उसको, ठीक है, ई का मीनिंग इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज वाला, और वो अटैक कर देगा ऑक्सीजन पे, रिएक्शन टू स्टेप में हो रही है। मैं क्या कह रही हूँ वो समझो, इस पोलैरिटी की वजह से पहले न्यूक्लियोफाइल ने क्यों अटैक किया, ये रिएक्शन भी तो हो सकती थी, पहले अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता और अटैक करते ही ऑक्सीजन पे ये ओई हो जाता, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव, ये दो वैलेंसी हो गई, एक बॉन्ड को खींच के ले गया, फिर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और फिर बन जाती वो की वही चीज जो तुमने उधर बना रखी है। तो मैंने, मुझे कोई ये थोड़ी है न्यूक्लियोफाइल ही साफ पहले अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं कर सकता, मुझे पता है पॉलिटी की वजह से इस पे प्लस आएगा इस पे माइनस आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल देरी से क्यों पहुंच रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्यों कूद गया पहले जाके और रिएक्शन को अपना नाम दे दिया, उसके रेफरेंस में रिएक्शन हो गई कि भाई मैं सम्मानित हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो पहले अटैक करता है ना रिएक्शन का नाम उसी से दिया जाता है, पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल ने क्यों किया, बाई एल्डिहाइड एंड कीटोन शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डज नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्यों है, कोई आंसर किसी के पास, बोलो बेटा, नहीं है तो मैं समझाती हूँ। इधर देखो, मैंने कहा ये ऊपर वाली रिएक्शन सही है, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, क्यों होगा, अगर तुमने पहले इलेक्ट्रोफाइल को ई पॉजिटिव को अटैक करवा दिया तो इस रिएक्शन में देखना नीचे एक बार देखो, और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये स्टेबल है, जो चीज स्टेबल होती है ना वही होती है रिएक्शन में, ये अनस्टेबल है, ऐसा क्यों, क्यों है ये अनस्टेबल, क्योंकि मैंने पढ़ा है अगर मैं पहले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दूंगी ना तो मुझे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, टूटते ही ई पॉजिटिव ने अटैक कर दिया तो कहाँ दिखा मुझे नहीं, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव, एक हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे अगर कौन सा चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज, तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, एक पैसे वाले को और पैसे मिल जाए, ये लोग तो किसके मान हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक वही कंडीशन है, ये स्टेबल है, और इसमें देखो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज शो हो रहा है क्या, नहीं, अनस्टेबल है ये, इसीलिए ध्यान से सुन ले, क्योंकि यहाँ मांगने भी कौन आ रहा है, ई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मांगने आ, इलेक्ट्रॉन अटैक करने जा रहा है ऑक्सीजन जैसे से, सांड से भिड़ने जा रहा है ये मान लो, तो यहाँ अटैक नहीं होगा किसी कंडीशन में, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर देगा और अटैक करते ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आते ही स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है रिएक्शन हमेशा वही होती है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मीनिंग होता है जुड़ना, ये जुड़ा है यहाँ, जैसे कई होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन अपन उसको बोलते हैं बेटा, जैसे मान लो ये है CX, अब कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस आया तो ये हटेगा और ये जुड़ेगा कार्बन पे, उस ये भी न्यूक्लियोफाइल ही था X माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल हटा और ये जुड़ा, इसलिए इसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ कोई माइनस चार्ज वाला हटा नहीं है, ये हटा थोड़ी है ऑक्सीजन, ये ओ माइनस भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही है, पर ये हटा नहीं है यहाँ, ये तो जुड़ा हुआ है, ये देखो ये रहा ओ ही, तो इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कि केवल न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा यहाँ कोई पुराना हटेगा, ठीक है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगी चैप्टर 10 में। आप देखो ये तो हो गया रीजन, अभी तो मैंने नाम कहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वही पहली फर्स्ट रिएक्शन, अपनी फर्स्ट रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और क्यों है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है जो कि स्टेबल है। अब मैं कंपैरिजन कर, ये सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो ले लिया मैंने एल्डिहाइड और ये ले लिया मैंने कीटोन, मैं तो कंपैरिजन करूंगी ना, ये आ रहा है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, मैंने कहा कि दो ऐसे बड़े बर्तन पड़े हैं मेरे पास, एक में एल्डिहाइड भरा है एक में कीटोन, बीच में खड़ा कर दिया न्यूक्लियोफाइल का, जा भाई किसके पास जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा एल्डिहाइड के पास जाना ही पसंद करता है, क्यों, वो ज्यादा अच्छा लगता है उसको, नहीं, फॉर न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के कंपैरिजन में हाई होती है, मीनिंग एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा जुड़ेगा कीटोन के कंपैरिजन में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। व्हाई? देखो ये इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो मैं एरो इधर लगा देती हूँ, मोर रिएक्टिव। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों? ऐसा है, दो रीजन समझने पड़ेंगे। फर्स्ट रीजन है प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट, समझे ध्यान से बेटा? बताओ, जिस न्यूक्लियोफाइल को तुम भेज रहे हो नेगेटिव चार्ज वाले को, वो कब अटैक करेगा कार्बन पे? जब उसको क्या दिखे? पॉजिटिव दिखे। समझ गए? तुम कहोगे मैडम ये लो पॉजिटिव दिखा दिया, ये प्लस ये माइनस, इसने भी खींचा तो इस पे भी प्लस माइनस होगा क्या? ये रहे अपने काम बिगाड़ने वाले ग्रुप। क्या है ये? डोनेटिंग ग्रुप है, तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे ये। ध्यान रखो, नेगेटिव का अटैक फास्टली तभी होगा जब उसको बहुत सारा पॉजिटिव दिखेगा। समझ गए? एल्डिहाइड में डोनेटिंग ग्रुप देखना और ये कीटोन में देखो, कीटोन में प्लस आई इफेक्टिंग डोनेटिंग ग्रुप एल्डिहाइड से ज्यादा दिख रहा है। इसमें तो हमेशा देने वाली एक हाइड्रोजन रहेगी, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन रखती है, एक से ज्यादा क्या देगी। अब R इज इक्वल टू तुम मेथिल भी मानोगे ना, तो चार इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के, तीन जुड़ी हुई हाइड्रोजन एक साथ सात इलेक्ट्रॉन देगी, तो कीटोन में प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप ज्यादा है एल्डिहाइड से। अब ज्यादा देंगे तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, जब पॉजिटिव ही नहीं दिखेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? फिर पॉजिटिव दिखना चाहिए। इसकी जगह भी माइनस आई वाले लगाओ, देखिए CLBR लगाओ, कोई NO2 लगाओ, देखो फास्ट न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, बढ़ेगा उससे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव को इंक्रीज करना है। तो एल्डिहाइड में हमेशा कीटोन के कंपैरिजन में, क्योंकि एल्डिहाइड में तो एक तरफ हमेशा हाइड्रोजन होगी, एक ही और होगा R, उसमें दोनों तरफ दो R है। तो ध्यान से सुन ले, एल्डिहाइड में डोनेटिंग ग्रुप कीटोन के कंपैरिजन में कम है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप कम है, इसीलिए एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। सेकंड समझे, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब क्या हो गया, जैसे मैं तुम्हारे घर आऊं, अभी हिंड्रेंस घर आऊं, घर आने के लिए मुझे रास्ता भी तो मिलना चाहिए, पता चला गेट ही नहीं दिख रहा, भीड़ भाड़ तुमने रख रखा है, तो किधर से आऊंगी? होगा क्या? सुनो ध्यान से, आया न्यूक्लियोफाइल अटैक करने, तो एल्डिहाइड में तो हमेशा एक तरफ का जो रास्ता है उस पे वो छोटी सी हाइड्रोजन रहेगी, ठीक है, एक तरफ ही R ग्रुप है, जबकि इसमें दोनों तरफ बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं कीटोन में। तुम R इज इक्वल टू CH3 रखोगे ना, ये लो पूरा रास्ता जाम करके बैठे, ट्रैफिक जाम हो गया। उधर देखो किधर से जाए बेचारा, जगह तो चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उसके अटैक में, अटैक यहाँ करना है बीच में घुस के, तो क्या होगा बेटा? बल्कि ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन ऑन बोथ साइड ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के दोनों तरफ कीटोन में बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, R ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। हिंड्रेंस बोलते हैं बाधा हिंदी में, मतलब दिक्कत होगी उसको जुड़ने में, जबकि एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन के कंपैरिजन में कम है। ये दो रीजन है, समझ गए ढंग से? अगर प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप कीटोन में ज्यादा होते हैं इसलिए न्यूक्लियोफाइल की अटैक की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई कर देते हैं, वो जरूरत ही नहीं है उसको। अब ये बात मेरी तुम अच्छे से समझ चुके होंगे कि इन दोनों में बताओ, ये तो पता चल गया एल्डिहाइड और कीटोन में मोर रिएक्टिव होंगे एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में भी कौन से एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है? वन नंबर डाल दो, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इसको, इसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। बताओ वन और टू में मोर रिएक्टिव कौन है, वन नंबर वाला या टू नंबर वाला? मोर रिएक्टिव कौन है? राहुल ने कह दिया वन, देखो कितना ध्यान से सुन रहा है, मतलब ऐसे तुम लोगों के ना
कंपटीशन होना चाहिए कि सबसे पहले आंसर कौन दे। राहुल अर्चिता वन 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 नंबर वाला मोर रिएक्टिव, और क्या सो रहे हैं क्या सारे? क्या एक नंबर टाइप करने में इतना टाइम लग रहा है? बाकी सब कहाँ गए भाई? धर्मवीर वन नंबर और सब सोचते हैं, क्लास लेने बैठ जाते हैं सो जाते हैं। विवेक महेश राधिका वन आर मोर रिएक्टिव, पूरी बात लिखनी धृति वन टू लिख दो। तरुण ज्योति और कौन पढ़ रहा है देखें? आ समीर कहाँ चला गया? अरे बीच बीच में क्या कुछ खाने पीने के लिए उठ जाते हैं क्या, या सुनते नहीं है? देखो आंसर तो बिल्कुल सही है वन वाला, क्यों? छोटे से साइज की कौन है? हाइड्रोजन। प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप कम है यहाँ, हाइड्रोजन ही ज्यादा ज्यादा एक जगह, वहां देखो ये मैथिल है, खूब देगा आराम से, ये ले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई कर देगा। फर्स्ट रीजन प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड में कम है। दूसरी बात सुने ध्यान से, स्टेरिक हिंड्रेंस, दोनों तरफ ही छोटी छोटी हाइड्रोजन लगी हुई है, उधर तो बल्कि ग्रुप आर लगा हुआ है, तो समझ गए जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छे से सारी बात ढंग से समझ में आ गई तुम लोगों को कि वाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव? एक क्वेश्चन आपके मैं लिख देती हूँ, उसको आप आराम से आज सॉल्व कर ले, जब मैं आऊं कल तो वो ऑर्डर पहले से टाइप रखा करो ताकि तुम लोगों को दिक्कत नहीं हो। अपनी क्लास ऑन हो उससे पहले ही क्वेश्चन नंबर 16 है वेरी शॉर्ट का, कि फॉलोइंग कंपाउंड को जो दिए हुए हैं आपके उनको आपको एज डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। बुक का क्वेश्चन है आरबीएससी बुक का, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है रिएक्टिविटी का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर वो आप बना देंगे, ठीक है? कर लेना आराम से, पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन ही पहचान लेना, फिर देख लेना सबसे छोटा एल्डिहाइड वही मोर रिएक्टिव हो जाएगा। हाँ भाई, और देखो बेटा और बोलो, अब अपन चलते हैं। ये तो बात थी कि भाई क्यों होती है, किसमें ज्यादा होती है, अभी मैंने रिएक्शन तो करवा ही कहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपने कोर्स में इसमें चार है, कौन सी है? हंसो गाओ अंताक्षरी, ये लो ये हंस लिए और ये गालिए, क्या अंताक्षरी, देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद एससीएन, देखते हैं एससीएन से रिएक्शन, ये तो रहा अपना कार्बोनिल कंपाउंड प्लस एससीएन, और करना कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी रिएक्शन है, सब रिएक्शन में तुम्हें केवल प्लस माइनस पहचानना है, माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले करवाना है और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल। बोलो इसको खींच लिया माइनस, इसको खींच लिया प्लस, इसने ले लिया सी एन माइनस है, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कौन है? सी एन है, तो फर्स्ट स्टेप में सी एन अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, सेकेंड स्टेप में एस सी एन का एच प्लस अटैक करेगा, दो स्टेप में करवानी है रिएक्शन हमेशा, और ये अटैक कर दिया ओ एच, ये सी एन, ये वैलेंसी मैंने एल्डिहाइड कीटोन अपनी सुविधा के हिसाब से तुम जो भी है वो लगा देना। क्या कहते हैं इसको? सी एन साइनो ओ एच हाइड्रो साइनो हाइड्रिन, पहले भी कहीं पढ़ा था क्या साइनो हाइड्रिन? सर ने चैप्टर 14 पढ़ा दिया बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल कैसे प्रूव करेंगे कि अल्कोहल का वन नंबर वाला कार्बन एल्डिहाइड, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी मजेदार ढंग से, तुम्हारे गटगट में समा जाएगा नहीं तू, उसमें अपन प्रूव करते हैं मुझे कैसे पता चला अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है, उसकी स्ट्रक्चर ये होगी, उसमें एल्डिहाइड होगा, उसमें ओएच होंगे, उसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन ये होगा, सब कुछ प्रूव करेंगे। उस प्रूव वाली रिएक्शन में ये है कि एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, इसीलिए क्योंकि एल्डिहाइड होगा तो वो एससीएन से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, और अपन प्रूव हो जाए कर देंगे इस बात को कि हाँ भाई ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर वाला कार्बन एल्डिहाइड था, दोबारा रिवाइज करवाऊंगी जब देखो। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई रिएक्शन विद एससीएन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में चार रिएक्शन है कोर्स में,
एससीएल। सेकेंड रिएक्शन है एस का मीनिंग सोस, सो से है सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन। कुछ भी नहीं करना, प्लस माइनस पहचानना आना चाहिए। किसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड? NaHSO3। हाँ भाई पता है क्या कौन प्लस है कौन माइनस है? SO3Na और H+, H+ और SO3Na। ध्यान दो बेटा, इसको ब्रेक करो, Na पॉजिटिव में देखो किसमें टूटेगा, Na मेटल है, Na पे पॉजिटिव है, SO3H के ऊपर नेगेटिव। सल्फोनेट आयन देखो Na पॉजिटिव SO3H नेगेटिव, अटैक तुम्हें पता है किससे क्या होगा, SO3Na नेगेटिव तो मिलेगा कार्बन को और ये ONa मिल जाएगा इसको, ठीक है। ये भी दो स्टेप में रिएक्शन करवानी है, अब कैसे करवाएंगे वो देखो। इसको एक काम करो, इस Na को मेटल को यहाँ ले लेते हैं अपन, क्योंकि अपने को अटैक H पॉजिटिव का ही करवाना है। हालांकि ऐसे भी करवा सकते हो, ऐसे करवाओगे तो दो स्टेप होगी, कैसे होगी देखो। कार्बन तुम्हारी बुक के अंदर एक स्टेप है इसमें, ओ कार्बन को तो क्या मिलेगा SO3H और ओ को क्या मिलेगा Na। अब ओ को Na मिलते हैं, आगे अपने को इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा।